राहुल जी सदो जी ते डॉक्टर राहुल साहब ने देखा डॉक्टर डिलीवरी नहीं हुई तो कुड़ी की मां डिलीवरी रूम की कर रही थी कुड़ी की मां डिलीवरी रूम की कर रही थी नहीं पेट पाड़ा हुआ है तो मैं जिम्मेवार दैया जी अगर कुड़ी का जवाक नहीं आया कुड़ी की मां डिलीवरी रूम दूजे बंदे जाने जो कोई डिलीवरी केस वहाँ पे है उसके अटेंडेंट है उसके साथ है दूसरा डिलीवरी केस है अंदर जा सकता है और जाते भी है नहीं तो ये आप बताओ जरूरी नहीं है लेडी जा सकती है लेडी जा सकती है लेडी जा सकती है 12-13 दिन रहे खट्टर वाले तू सारे इतने बह जा थले बह जा गल नहीं सुननी अगर पागल है कि राहुल जी ने सदा मैं सदा खट्टर आ जाना आम आदमी पार्टी कांग्रेस मैं सारे करके कहो भी बच्चा चोर है सारा फोन मार सानू संतुष्ट करो पहला भी रोला पिया सी राहुल डॉक्टर दा इत्थे झंडा लगा सी आज तो 4 महीने पहला भी रोला पिया ओने नाल क्यों पंदा रोला और क्यों मारी ओ भी कुड़ी मारी नाले ओने ओ भी कुड़ी मारी ओ किथे गई ओ किथे गई ओ किधर गई ओना नु भी कुछ नहीं मिला आज तुझे भी आ गए बस साफ करता सारा कुछ उन्होंने सोचा तू यार मार फोन ने मेरा फोन मार छेड़ दो फोन मार खराब कीता इने ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਆਪ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਕੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਡੇ ਡਿਊਟੀ ਰੱਖੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਚਲੋ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲੋ उसकी बात ना करो आप सिर्फ मैं आपसे एक बात करना नहीं किया नहीं कहा ठीक नहीं है सारी बातें यहाँ जरूरी नहीं नहीं मैं बता ही या बता दो कोई दिक्कत नहीं है आप क्या लगते हो उसके क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे बैठे नारे पैदा सीधा जवाब सारी तोड़ते हैं पर उन्हें मानो लोना सी जी जड़ा मोटी लोग कौन है बताओ मोटी लोग कौन है मोटी लोग कौन है मैं मोटी करूँ मरीज के हाथ मोटी लोग कह रहे हैं मतलब देखो तू जान से सब तो पहले पुलिस से कमरे से गई अरे सुन तो लियो अरे सुन तो लियो चाकी एक मिनट बुलाया था मैंने अरे सुन तो लियो एक मिनट साहब अमित जी अंत पूछे मैं पार्टी का कोई पार्टी का नहीं हो अगर एक मिनट यहाँ पे एक मिनट चल रहा है खबर एक था जी आउटसोर्सिंग जी हमारे पास प्रवीण पेशेंट है जो ओपीडी में आती रही है और उसका रिकॉर्ड हमने देखा है लगभग पिछले 2.5 साल से लगभग 10 बार ओपीडी में वो आई है और वो एंटीनेटल एज एंटीनेटल केस करके ही आई है मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनके पास रिकॉर्ड है हमने देखा है
लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे एडमिट रही हूँ, ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है एडमिशन का पिछले ठीक सवा दो साल के अंदर पूरे में। ठीक है, इसके साथ इन्होंने, मैंने भी हिस्ट्री ली है, एक दो बार इसको प्रॉब्लम आई है बीच में जिसकी वजह से ऐसा रहा है, फैमिली हिस्ट्री तक मैंने ली है, लेकिन ऐसा ना ऐसा कोई एडमिशन का हमारे पास रिकॉर्ड है और डिलीवरी की तो बात ही नहीं है। इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने इनको बताया कि आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लो। इन्होंने कराया भी है सरसा इमेजिंग से, जो कि उसमें ऐसा कुछ नहीं आया कि ये पिछले एक हफ्ते के अंदर भी कभी प्रेग्नेंट रही हो। जी, ये इसमें अपनी अपनी बात है, अपनी सोच है, हो सकता है कि भाई इनके माइंड में कुछ हो, हम ये तो नहीं कह पाएंगे। ठीक है, बाकी दूसरे लोग हैं बीच में जो आ रहे हैं उनका क्या इसमें है, बीच में इन्वॉल्वमेंट क्यों आ रहे हैं, जबकि पास इनके पास रिकॉर्ड है और प्राइवेट हॉस्पिटल का है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सीसीटीवी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीसीटीवी की फुटेज हमारे पास अब भी है, पहले भी थी, और हमने उसको पुलिस को दे भी दिया है पेन ड्राइव में डाल के, जो रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। मिठाई कोई भी बांट सकता है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि मिठाई बांट देने से बच्चा हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी तरफ से पुलिस की तरफ शिकायत वगैरह दी गई है तरफ से सर? हाँ, इन्फॉर्मेशन दी है हमारे डिपार्टमेंट ने कि ऐसा ऐसा हुआ है, तभी पुलिस आई है उसी की छानबीन करने के लिए। पर्चा भी दर्ज हुआ सर इसको? ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो कोई पर्चा दर्ज नहीं है। डॉक्टर आर के दैया, SMO डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल सिरसा।